इन हालात में मंडी जाना लोगों का, नॉट बिकॉज ऑफ करोना, करोना से पहले भी मंडी जाना, जानवर लेकर आना, कसाई को ढूंढना, जानवर घर पे कटवाना एक बहुत बड़ी हैसल है। जिस तरह आप मीट वन से रेगुलर मीट ले रहे होते हैं उसी तरह मीट बना हुआ होता है, पैकेज मीट होता है, 100% शरिया कंप्लायंट कुर्बानी करते हैं, एंड टू एंड शरिया कंप्लायंट होती है। इसमें भी एनिमल की हेल्थ, एनिमल की क्वालिटी, एनिमल का साइज, सब चीज़ें बड़ी क्लोजली मॉनिटर होती है। एक एक एनिमल टैक्ट होता है, वो एंड टू एंड टैक्ट होता है, वही जानवर आपके जो आपके लिए काटा जाता है वही जानवर आपको डिलीवर होता है। तो एक बहुत लेंथी लंबा प्रोसेस है जो कि 7-8 साल की करने 7-8 साल करने के बाद यू नो एक सिस्टम बन के सामने आया है। इवन देन आई वुड से कि जी जो कुर्बानी घर पे करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, उनको करनी चाहिए कुर्बानी घर पे, कंटिन्यू करें आपके साथ बिजनेस और नो बिजनेस। बट ये उन लोगों के लिए ऑप्शन है जिनके लिए कन्वीनियंस है इसके अंदर, वो पेरेंट्स जिनके बच्चे बाहर काम करते हैं, वो लोग जो कि अपार्टमेंट्स में रहते हैं, वो लोग जो कि सहसिल में नहीं पढ़ना चाहते और कुर्बानी मिस हो जाए उनकी, उनके लिए एक ऑल्टरनेट ज़रूर है ये। बट मैं कभी भी ये बात नहीं कहूँगा जी आप कुर्बानियाँ घर पे करना छोड़ दें और कुर्बानियाँ मीट वन से करें, नो। जो लोग करते हैं घर पे कुर्बानियाँ बहुत अच्छा करते हैं, उनको करना चाहिए। कुर्बानी के लिए गवर्नमेंट ने कोई SOP दी नहीं थी ऐसी कोई स्ट्रिक्ट लिख के, बट हमने फॉर द सेक ऑफ आवर कस्टमर्स के जी उनकी फैमिली, उनकी वेलबींग, उनके बच्चों के लिए, तो ये काफ़ी एक बड़ी जिम्मेदारी थी ऑन मीट वन कि जी कस्टमर्स का ट्रस्ट ख़राब ना हो और उनको एक हाइजीनिक साफ़ सुथरा अनकॉन्टेमिनेटेड मीट उनके घर तक डिलीवर हो जाए, उनको मिल जाए। वो उसके लिए हमने प्रोसेस ये किया था कि इस साल कुर्बानी पर अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी स्टाफ कुर्बानी के लिए आएगा वो सब कोविड टेस्टेड होंगे इंशाल्लाह, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी, और PPEs सारे स्टाफ ने PPEs पहनी हुई होंगी। जो स्टाफ एक दफ़ा हमारे प्रेमिसेस में आ जाएगा वो 3 दिन तक प्रेमिसेस छोड़ेगा नहीं। जब प्रोसेसिंग शुरू होगी, स्लॉटरिंग होगी, स्लॉटरिंग में तो एनी केस राउंड द ईयर ये चीज़ फॉलो हो रही होती है, कोविड और नो कोविड, बिकॉज हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स से स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल वो फॉलो कर रहे होते हैं। तो सब ने PPEs पहनी हुई होंगी, सब ने मास्क पहने होंगे। उसके बाद मीट स्लॉटरिंग के बाद मीट कटिंग का प्रोसीजर आता है जो कि काफ़ी एक हेक्टिक और लंबा प्रोसीजर है और जिसमें ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्वमेंट है भी बहुत ज़्यादा। तो ये फर्स्ट डे पे कोविड टेस्ट हो जाएगा, सेकंड डे सुबह फजर के बाद स्लॉटरिंग स्टार्ट होगी, एंड देन फिर 3-4 घंटे बाद कटिंग एंड डीबोनिंग एंड पैकेजिंग स्टार्ट हो जाती है। तो एंड टू एंड हर जगह पर ये चेक्स लगा दिए हैं ताकि कोई ऐसा एरिया ना हो जहाँ पर कोई चांस हो कॉन्टेमिनेशन का या अल्लाह ना करे किसी को इन्फेक्ट होने का। आई थिंक मीट वन जैसे 50 मीट वन भी आ जाएं तो मार्केट की शायद नीड पूरी नहीं हो पाएगी। एंड की टू द सक्सेस इज़ के ईमानदारी से साफ़ सुथरी चीज़ बेचें, साफ सुथरा प्रोपोजिशन लोगों को दें और लोगों की कस्टमर की तरफ से सोचें, कस्टमर की वेलबींग के लिए सोचें, तो सूनर और लेटर बारी आपकी आ जाती है। इट माइट टेक सम टाइम और एक डिफ़िकल्ट जर्नी होती है, रिटेल ब्रांड सेट होने में टाइम लगता है थोड़ा, बट अगर आप अच्छी चीज़ सेल करेंगे, अच्छी प्रपोजिशन लोगों को देंगे तो छुपती नहीं है ये बात, समझ आ जाती है एंड ऑफ द डे लोगों को, तो यू विल डू गुड इंशाल्लाह। तो जगह है, लोगों को आना चाहिए, लोगों को काम करना चाहिए, और ये काम कमर्शियल प्रपोजिशन तो है ही है, साथ में आई थिंक इबादत भी है ये कि लोगों को अगर आप अच्छी साफ़ सुथरी हाइजेनिक गोश्त खाने के लिए आप ज़रिया बन जाएँ तो वाई नॉट, ज़रूर करना चाहिए। ये चैलेंजेस आते हैं आई थिंक फूड में सबके साथ ही आए हैं, ये चिकन वालों के साथ बहुत कुछ चल रहा है, दूध वालों के साथ बहुत सारी बातें हो रही हैं, बट मेरा बिलीव ये कि अगर आप काम सीधा करें, काम अच्छा करें, एंड ऑफ द डे यू विल बी द विनर। लोगों को समझ आ जाएगी बात, प्रोफेशन समझ में आ जाएगी बात, और ये र्यूमर्स और ये बातें बड़ी शॉर्ट लिफ्ट होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, बट अच्छी चीज़ अगर आप दे रहे हैं तो इन द लॉन्गर रन यू विल बी द विनर, बारी आ जाएगी आपकी।